एक ऐसी लड़की जो काफी बेबाक है, एक ऐसी लड़की जो हमेशा कटे फटे कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल जाती है, एक ऐसी लड़की जिसे ट्रोल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ऐसी लड़की जो जानती है कि सोशल मीडिया सेंसेशन कैसे बना जाता है। हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद के बारे में, जो इस वक्त गुस्से से तमतमाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद का गुस्सा फूट पड़ा है मशहूर सिंगर राहुल वैद्य पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया राहुल वैद्य ने ऐसा क्या कर दिया, तो आपको बता दे कि उन्होंने उर्फी जावेद को गंदे तरीके से छेड़ दिया है। छेड़ना मतलब वो वाला नहीं, छेड़ने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद तिल मिलाई दिख रही है उर्फी जावेद। राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि मेरी पत्नी दिशा ने मुझे एक न्यूड लड़की का फोटो भेजा है। ऐसा लगता है कि लोग आने वाले टाइम में फैशन के नाम पर न्यूड फोटोज को शेयर करेंगे। हालांकि राहुल वैद्य ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल की इस पोस्ट को लोगों ने उर्फी जावेद से कनेक्ट कर दिया। उर्फी जावेद से जब राहुल वैद्य की पोस्ट के बारे में पेपराची ने बात की, तो उन्होंने इस चीज को टाल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल का पोस्ट मेरे लिए कैसे हो सकता है, राहुल को मैं जानती नहीं, राहुल मुझे नहीं जानते, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है। इसके बाद पेपराची ने उर्फी को ये तक कहा कि लोग आपको ट्रोल करते हैं, तो उनका जवाब था कि भैया करने दीजिए, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ट्रोल करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लंबे टाइम के बाद लगता है कि उर्फी जावेद का गुस्सा बाहर आ चुका है। दरअसल उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इस पोस्ट को शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ लोग मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि पोस्ट आपके लिए है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो उन्होंने इस पोस्ट पर लिखा है कि हम जो भी पहनते हैं, जो भी करते हैं, उसका दूसरों की नजर में जो नजरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों इस तरीके से दूसरों को जज करते हैं, लेकिन मुझे पढ़ने में काफी अजीब लगा कि मेरी बीवी ने किसी न्यूड लड़की का फोटो मुझे भेजा है। उर्फी जावेद राहुल की इस पोस्ट पर चुटकियां लेती हुई नजर आई है। उर्फी की इंस्टा स्टोरी को जगह जगह शेयर किया जा रहा है। इसके साथ ही उर्फी की तारीफ की जा रही है कि किस तरीके से राहुल को मुंह तोड़ जवाब दिया है उर्फी जावेद ने। राहुल वैद्य ने इस पोस्ट में डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं सबको समझ आ गया कि ये पोस्ट उर्फी जावेद के बारे में है। उर्फी जावेद हमेशा अपने बेबाक अंदाज, अपने कपड़ों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उर्फी जावेद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके कपड़ों के बारे में लोगों की क्या राय है। वो वही करना पसंद करती हैं जिसका उन्हें दिल करता है। हालांकि राहुल वैद्य का उर्फी के इस पोस्ट पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन राहुल वैद्य को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि भैया उर्फी से पंगा लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर उर्फी को न्यूड तो बोल दिया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उर्फी का नाम उस पोस्ट के अंदर ले लेते। लेकिन उर्फी भला चुप कहां रहने वाली है, उर्फी ने भी ना आओ देखा ना ताओ सीधा राहुल का पोस्ट शेयर कर इंस्टाग्राम पर जो चार पांच बातें लिख डाली, उसके बाद उर्फी तो भैया छा गई है सोशल मीडिया पर। उर्फी जावेद का राहुल वैद्य को ये जवाब देना आपको कैसा लगा, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसके साथ ही हमें ये भी बताएं कि उर्फी जावेद जो पहनती हैं, जो उनका फैशन है, जो उनका विवाह का अंदाज है, आपको कैसा लगता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए कर लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड टीवी और कांस फिल्म फेस्टिवल की हर अपडेट आपको फिल्मी बीट पर ही मिलेगी।